सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो अप टू डेट करंट जानकारी चाहता हूँ अफगानिस्तान के बारे में, कि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं कि साहब कोई कहता है कि अफगानिस्तान ने 90% जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन पे सब पे कब्जा कर दिया है, सारी जितनी भी पोस्ट्स हैं, बॉर्डर पोस्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल पोस्ट हैं उनके ऊपर कब्जा कर दिया है। फिर उसके बाद फिर जो है वो उनके ऊपर ड्रोन से वापस हमला भी हो जाता है, और तालिबान जो लगातार दोहा एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है वो चिल्लाने लगता है कि साहब दोहा एग्रीमेंट का वायलेशन हो गया। तो पहले हमें ब्रीफ करें एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। सर छोटे में अगर बताऊं तो बात यह है कि अमेरिका गया नहीं है अफगानिस्तान से, अमेरिका ने अपने आप को रीपोजिशन करा है अफगानिस्तान में। दो तीन तरीके होते हैं अपने आप को कहीं पे एम्फसाइज करना, अपना पावर प्रोजेक्ट करना। एक ग्राउंड ट्रूप्स होते हैं जो अमेरिका ने हटाए हैं, लेकिन एयर पावर अभी भी अमेरिका के पास है सर। रीपर है, गार्डियन है, ये सब ड्रोन्स हैं अमेरिका के पास, अपने फ्रिजेट्स हैं। तो जैसे कल परसों ही बॉम्बिंग हुई थी, अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी, तो एक तो ये चीज़ है कि अमेरिका वहां से हटेगा नहीं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में शांति क्यों है। अमेरिका में शांति इसलिए है इतने सालों से, छोड़ के 9/11 का वाकया, अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेनलैंड अमेरिका में हर समय शांति रही है सर। उसका यह बात है कि उन्होंने दुनिया भर की शांति भंग कर रखी है। अमेरिका को पता है कि जिस दिन दुनिया में शांति हो जाएगी तो अमेरिका में क्रांति हो जाएगी, इसलिए अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान और दुनिया भर में कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहे, तो अफगानिस्तान में चलेगा। दूसरी चीज, तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यू नो सर, पाकिस्तान का किरदार है। मैं दोबारा आपके व्यूअर्स को सर ये समझाना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो मामला है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का शेप कुछ ऐसा है सर, लंबा सा पाकिस्तान चौड़ाई में बहुत कम है, 350-400 किलोमीटर की एवरेज चौड़ाई है पाकिस्तान की, लंबाई बहुत ज्यादा है। तो उसके ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, यानी पूर्वी बॉर्डर पे इंडिया, और पश्चिमी यानी वेस्टर्न बॉर्डर पे उसके अफगानिस्तान है। तो हर समय वो चाहता है कि बॉर्डर उसका थोड़ा सा विड्थ बढ़े, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल लड़ाई लड़ते हैं तो कोई भी अपनी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता सर, ये जाहिर सी बात है। नोबडी वॉन्ट्स टू फाइट ऑन देयर ओन लैंड, पीपल वॉन्ट टू फाइट इन समबडी एल्सेस लैंड। तो इसलिए कश्मीर में आपने कुछ कर दिया, पंजाब में आपने कुछ कर दिया, तो आपका आपका जो रसूख है, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया कश्मीर में, पंजाब में टेररिज्म फैला के आपने तालिबान शुरू कर दिया आपका अफगानिस्तान में। तो आपने पाकिस्तान को एक किस्म से, मतलब नॉट ज्योग्राफिकली बट इन्फ्लुएंस वाइज, आपने थोड़ा सा चौड़ा कर लिया। सो दैट वॉज द पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब क्या हुआ है कि 9/11 से पहले 1989 और 1999-2000 तक पाकिस्तान ने उस रोड पे 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी बढ़ाई है सर, तालिबान को सपोर्ट करा। मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है, परवेज मुशर्रफ की, उनके स्पेशल फोर्सेस वाले जो खुद की मुशर्रफ की रेजिमेंट है उसके लोग पैसा लेकर गए तालिबान के लिए लड़ने के लिए, तो तालिबान के लिए लड़े वो लोग। सो ये पाकिस्तानी आर्मी का किरदार रहा है। अब क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पाकिस्तान का पूरा इन्फ्लुएंस था, इंडिया का इन्फ्लुएंस जीरो था, वहां पे लगभग जीरो बराबर था, एम्बेसी के अंदर लोग दुबक के रहते थे, हर जगह तालिबान तालिबान, एम्बेसी भी क्या था हमारा, क्योंकि तालिबान का वहां पे राज था, तो ऐसा कुछ था नहीं। अब हुआ यह कि 9/11 हो गया सर, अमेरिका बहादुर को गुस्सा आया, उन्होंने अपने भेजे मिसाइल और वहां पे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, तालिबान भाग गया। दो तीन दिन के अंदर तालिबान ने काबुल छोड़ा, क्योंकि वो बैठने वाले लड़ने वाले लोग नहीं है, वो तो साहब औरतों का गला काट दिया, बच्चों को गोली मार दी, इन सब काम में तेज है ना सब, वो फौजों से थोड़ा ना लड़ते हैं वो लोग तालिबान वाले, चुपके से बम लगा दिया कहीं पे, ये इन काम में बहुत तेज है तालिबान। अगर आप बोल रहे हैं कि बड़े बहादुर हैं और इस तरीके से डटी हुई लड़ाई लड़ते हैं, कभी नहीं लड़ते, तो उनका फाइटिंग वो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका मामला अलग है तालिबान का। पाकिस्तान का फिर सबको धराशाही हो गया, पाकिस्तानी कंप्लेन करने लगे कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स खुल गए हैं और रॉ हमारी एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर कुछ कुछ कर रही हैं, जो भी एक्स वाई जेड वो लोग आपस में साजिश की जो थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो लोग मतलब चूरन की तरह बांटते रहते हैं सर। अब हुआ ये कि अब फिर यहां पे जो बाइडेन ने बोला कि हटाओ वहां से, हट गए, ये फिर खुश हो गए सर, पाकिस्तान वाले के पुराने दिन वापस आ गए 1989 के बाद,
अब फिर तालिबान चढ़ जाएगा। अब तालिबान ने चढ़ने की कोशिश करी, मार पड़ी तालिबान को, तालिबान ने झूठ बोल दिया 85-90% अफगानिस्तान हमने कैप्चर कर लिया। अरे भाई अगर तुमने कैप्चर कर लिया तो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट काबुल में क्यों तो भाग जाता अभी तक, क्योंकि सबको पता है नजीबुल्लाह के साथ इन लोगों ने क्या करा था, इन्होंने फांसी लगा दी थी नजीबुल्लाह को। तो कहने की बात यह है कि वहां पे अशरफ गनी क्यों बैठा हुआ है, वहां पे अब्दुल्ला अब्दुल्ला क्यों बैठा हुआ है, वहां पे नसरुल्ला जो अमरुल्ला सालेह जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है वो क्यों बैठा है काबुल पे, वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि तालिबान कितने हैं सर, 75,000 टोटल, 70 से लेकर 75,000 तालिबान है, अफगान नेशनल फोर्सेस करीब 3.5 लाख की हैं। तो किसी का भी यह मानना है कि तालिबान 75,000 लोगों से पूरे अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क पर कब्जा कर लेगा, ठीक है कुछ कुछ बॉर्डर टाउन्स एक दो छोटी मोटी जगह ये बैठ गया यहाँ पे वो सब ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहूंगा सर कि एक अल जजीरा की रिपोर्ट आई थी, मैं आपको भेज भी दूंगा वो रिपोर्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर अल जजीरा की। अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि आम अफगान जो है उसने अपना सामान बेच के, एक लड़के की कहानी है उसमें जिसने अपना ऑफिस का सामान फर्नीचर बेच के और लैपटॉप वगैरह बेच के, जो ऑफिस में काम करता था उसने वो बेच के सर AK-47 खरीद ली और उसने बोला कि अब मैं भी तालिबान से लड़ूंगा। ये बहुत ही ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो एक आम अफगान ने भी हथियार उठा लिए तालिबान के खिलाफ। तो ये अभी सूरत हाल है। तो पाकिस्तान झूठ बोलता है कि था 90% 80%, ये खुद ही अपने मीडिया में सर, वो लाहौरी वाले हैं ना, ये लाहौर वाले मीडिया वाले, वो आपस में ही बात करते रहते हैं पंजाब यू नो अपने पंजाबी एक्सेंट में कि जनाब ये हो गया है और ये बस फालतू की बात है सर, ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें ये बताएं मुझको कि अमरीका बहादुर जो है वो रात के अंधेरे में बगराम एयरबेस खाली करके क्यों भागा, उसका चारों तरफ बड़ा उसकी शोहरत हो रही है, उसका बड़ा प्रचार हो रहा है। नहीं सर, अमेरिका को जो ठीक लगा, अमेरिका देखिए बात यह है कि हम लोगों के लिए ये बड़ा है कि रात के अंधेरे में कर दिया, गलत करा सही करा, अमेरिका कहता है हमारे लिए ही सही था, हम चले गए, हम फिर रात के अंधेरे में आ जाएंगे। देखिए अमेरिका के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने कभी एक बात नोट करी होगी हमारी आम जिंदगी में, मैं जंग की बात नहीं कर रहा, आम जिंदगी में बात करता हूं, या तो जो बहुत गरीब होता है, बहुत गरीब उसमें मोरालिटी नहीं होती, या तो बहुत अमीर होता है उसमें मोरालिटी नहीं होती। मोरालिटी इज अ वेरी मिडिल क्लास सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, और गरीब को बेचारे को क्या फर्क पड़ना है, वो रोटी के लिए मोहताज है। तो अमेरिका जो है वो बहुत अमीर है, बहुत बड़ी पावर है, वर्ल्ड की टॉप सुपर पावर है, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता हम आप पाकिस्तान उसके बारे में क्या सोचते हैं। हम लोग कहते हैं बगराम एयरबेस से भाग गया, कल अमेरिका दोबारा आ जाएगा कि जी आज हमारा मन था हम आ गए, बोलो फिर तालिबान फिर भाग जाएगा। अमेरिका की मैं अगर आसान शब्दों में कहूं सर, टोटल गुंडागर्दी है इनकी, टोटल गुंडागर्दी। इन्होंने सद्दाम हुसैन को मार दिया, उसका बेचारे का 9/11 से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने फांसी लगा दी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को। आप बताइए मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का जो रूलर था, उसका 9/11 से क्या लेना देना, उसको मार डाला, उसको कहानी खत्म। क्यों मारा उसको आपको पता है? और मैंने अमेरिकन से बात करी, मैंने डिप्लोमेट से बात करी, उन्होंने साफ तौर नहीं बोला ये, पर मुझे ऐसा लगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, उन्होंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं बोली, मुझे ऐसा लगा कि वो कहना चाह रहे हैं कि मार सकते थे इसलिए हमने मार दिया। वी कुड किल सद्दाम हुसैन सो वी किल्ड हिम। और आपने क्या कर लिया अगर हमने सद्दाम हुसैन को मार लिया, हम दोबारा मार देंगे वहां पे जाके। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड सर। अमेरिका भागा, कल अमेरिका दोबारा आ जाएगा। यू क्वाइट राइट एक्चुअली। अभी तो आपने कहा इसलिए मुझको ध्यान आ गया, एक किसी ने फ्लो चार्ट बनाया है हाउ अमेरिका बिहेव्स इंटरनेशनली, और उनका फ्लो चार्ट जो है वो बिल्कुल बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास ऑयल है और न्यूक्लियर पावर नहीं है तो या तो आप क्लाइंट स्टेट बन के रहिए, या फिर आपको देयर विल बी अ कू और यू विल बी देयर विल बी अ रिजीम चेंज। वो रिजीम चेंज का खेल खेलते रहते हैं। और अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो फिर आपसे वो थोड़ा संभल के रहेंगे। इसलिए बार बार कहते हैं ना कि साहब ये पाकिस्तान को ऐसा क्यों नहीं करते, पाकिस्तान को ऐसा क्यों नहीं करते, तो उनकी उनका जो फ्लो चार्ट है उसमें पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर दिखता है उनको, तो इसलिए पाकिस्तान से थोड़ा सा संभाल के रहते हैं। बाकी तो उनका इंटरेस्ट है, जहाँ उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा वहाँ वो या तो रेजिम उनके हिसाब से चले या फिर वो उसको चेंज करेंगे अपना। और सर होना भी चाहिए सर, फॉरेन अफेयर्स में नैतिकता नहीं चलती सर, कि सही है गलत है, जो ठीक है देश के लिए करते हैं अमेरिकन। अब देखिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर था, उन्होंने ऐसा फंसाया FATF में, IMF के लोन्स में ऐसा फंसाया है कि अब दो चीजें थी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को बड़ा घमंड था, एक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और एक अपना न्यूक्लियर वेपन, और दोनों इनके गले की हड्डी बन गया आज की तारीख में।
अबे मटा क्या ना करता है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही तो हेरोइन और कलेशनकोव का कल्चर हुआ है पाकिस्तान में सर। इट इज बिकॉज ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान को इट इज बिकम फ्रॉम अ क्लाइंट स्टेट टू अ परिया स्टेट। उनका हालत खराब है पाकिस्तान की आज की तारीख में सर। अमेरिका प्रेशर डालेगा, न्यूक्लियर वेपन्स ठीक है, डायरेक्ट इंटरवेंशन करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन अमेरिका ने ऐसी बाहें मरोड़ी है पाकिस्तान की कि सर वहां पर सड़क के आम आदमी की चीख निकल गई है, चीख निकल गई उस आदमी की। और अमेरिका करता रहेगा, हाथ मरोड़ता रहेगा जब तक वो हाथ हाथ में ना आ जाए उसके। ये होगा भी, वो तो होगा, दिख रहा है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया। जब आपका रिजर्व बैंक जो है वही आपके कब्जे में नहीं रहा तो फिर आपका, इसीलिए चाइना जो है वो अब खिसकता जा रहा है कि भाई यहाँ तो अमेरिका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जब IMF के कब्जे में चला गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। वैसे भी वो कमर्शियल लोन्स ही देते हैं, वो तो इंटरनेशनल लोन्स देते नहीं, वो कमर्शियल लोन्स ही देते हैं, तो वो तो उनकी स्थिति उस प्रकार से है। अब थोड़ा सा इसी में और जो स्थिति है उसके बारे में कि बगराम एयरबेस तो छोड़ दिया अमेरिका ने, अभी कौन से और एयरबेस हैं उनके पास जिनको वो ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि बीच में ये भी सुना था कि उन्होंने पाकिस्तान से एयरबेसेस मांगे। सर पाकिस्तान का तो कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा उस बेचारे को कोई अथॉरिटी नहीं है हाँ या ना कहने की, वो सिर्फ मीडिया इंटरेक्शन के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जैसी बना रखी है सर उन्होंने, जैसे कि आजकल जूम में या स्काइप में आप बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ना, अपना पेड़ पत्ते लगा लेते हैं, वो इमरान खान वो फूल पत्ता टाइप का, उसको डेकोरेटिव पर्पस का सर, वो उसका कोई काम वाम है नहीं उसे। आपने बात नोट करी, बाजवा साहब ने अभी तक नहीं बोला एब्सोल्युटली नॉट, बाजवा ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में, बाजवा चुप है, पाकिस्तानी फौज चुप है, ये इमरान खान शेख रशीद ये ही लोग अपने जो उनके सर्कस के जितने भी ये शेर भालू हैं यही सब अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं सर, यही सब है। पर जो असली बंदा है पाकिस्तान का कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, चुपचाप बैठा है वो, चुपचाप बैठा है। और हो ना हो, क्योंकि 10 साल के बाद से पिछली बार भी जब पाकिस्तान ने एयरबेसेस दिए थे अफगानिस्तान में, सॉरी बलूचिस्तान में, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानियों को पता थोड़ा ना था कि हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, यहीं से ड्रोन टेक ऑफ को बाद में पता लगा ये बगल वाला बेस है, रात को जो उड़ता है ड्रोन वो यहीं से उड़ता है बगल से, तो इनको कई साल तक पता नहीं लगा सर। तो अभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के किसी कोने से अमेरिकन फाइटर्स टेक ऑफ कर रहे हो, ये अपने, देखिए ये इनके पास क्या है सर देने के लिए, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछता हूं सर, इनके पास ना सॉफ्टवेयर है, ना इनके पास हार्डवेयर है, ना इनके पास वैक्सीन है, ना इनके पास पैसा है, इनके पास कुछ नहीं, इनके पास सिर्फ जमीन है। जमीन के अलावा ये चाइना को क्या दे रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, चाइना इतने बिलियन डॉलर लगा रहा है, पाकिस्तान ने चाइना को क्या, चाइना ने पैसे लगा दिए, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, पाकिस्तान ने उसको क्या दिया, पाकिस्तान के पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन दे सकता है, इट हैज नो अदर प्रोडक्ट सर। पाकिस्तान को मॉर्गेज कर दिया, आपके मोटरवेज मॉर्गेज कर दिए, और पाकिस्तान एयरपोर्ट मॉर्गेज कर दिए सर, वो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को गिरवी रख दिया, PIA को, PIA के सारे जहाज, सारी बिल्डिंग, सारे असासे गिरवी रख दिए, कह रहा लोन दे दो, अबे बच्चों के पार्क खेलने के F9 पार्क है इस्लामाबाद में, F9 पार्क गिरवी रख दिया सर इन्होंने पाकिस्तान ने, फिर कहता है इंडिया साजिश कर रहा है, ऐसी बातें करते हैं अजीबोगरीब। तो कहने की बात ये सर, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि नोबडी नोस, मुझे नहीं पता आज की तारीख में कि पाकिस्तान ने एयरबेसेस दिए कि नहीं दिए, हो सकता है दिए भी होंगे इन लोगों ने, पूरा हो सकता दिए होंगे, इमरान खान को पता भी नहीं होगा, जब ये कारगिल में अटैक कर सकते हैं सर बिना नवाज शरीफ को बताए, तो इमरान खान को बिना बताए बेच क्यों नहीं दे सकते। That is entirely possible. I agree with you completely. जी अब जो है इसका जो है थोड़ा सा जो है लार्जर जियोपॉलिटिकल जो शेप है उसकी बात हम करें, तो ये जो विक्ट्री है, मैंने 2 दिन पहले बल्कि शायद कल ही मैंने एक हुसैन अक्कानी साहब का एक आर्टिकल पढ़ा, पाकिस्तान पिरिक विक्ट्री। अब पिरिक विक्ट्री कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि वही वाला जो है ना, वो कहानी है ना, वो ग्रीक मिथोलॉजी की, जिसमें वो पेरस नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बार बार पत्थर चढ़ाता है, फिर पत्थर नीचे रोल लगा होता है, फिर चढ़ाता है, तो वो जो है वो पिरिक विक्ट्री इनकी जो है, अब वो पूरा ये अपने आप को इन्होंने बहुत मजबूत समझ लिया जो कुछ भी है, लेकिन उनका ये कहना है कि इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ ब्लोबैक बोथ मिलिटेरली एज वेल एज इन दी सिविलियन स्फीयर, और सिविलियन स्फीयर में ये ज़्यादा खतरनाक होगा क्योंकि
तालिबान विच इज सिक्योर इज मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान देन एन इनसिक्योर तालिबान। सर ऐसा है कि अफगानिस्तान में कुछ भी हो जाए हारेगा पाकिस्तान, ठीक है सर। आज दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी आर्ग्यूमेंट को बटरेस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट को मजबूत करने के लिए मैं देना चाहता हूं आपको विद योर परमिशन। जी बिल्कुल श्योर। पहली चीज तो ये सर कि ये वो तालिबान नहीं है सर 20 साल वाला, ये खेला खा तालिबान है, ये घूमा फिरा तालिबान है, ये गाजे बाजे वाला तालिबान है, ये कतर में भी घूमा है, दुबई में भी घूमा है सर, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हर देश ने खाना खाया है, लोगों से मिला है, हाथ मिलाया है, ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिला है सर, ये CIA के डायरेक्टर से भी मिला है, ये अजीत डोवाल साहब से भी मिला है, ये तालिबान सबसे मिला है जो हमें न्यूज मीडिया बताता है, ये तालिबान सबसे मिला है सर, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि तालिबान को, क्योंकि बड़े इनवर्ड लुकिंग लोग थे अफगानिस्तान वाले, तो ये अब जो अफगान हैं पहले वाले वो गजनी गौरी के टाइम के नहीं, अब के जो अफगानिस्तान वाले ये अपने ही अफगानिस्तान में ही ये बन रहे, ये इन्होंने बाहर देखा नहीं। अब तालिबान को सडनली इस बात का ख्याल है कि यार उज़्बेकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है हमारा, चाइना के साथ भी लगता है, ईरान के साथ भी लगता है हमारा, है ना, हमारे तो बॉर्डर 3-4 मुल्कों के साथ लगते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है, ये पाकिस्तान पाकिस्तान कहां से हो गया भाई, और पाकिस्तान के पास तो पैसा भी नहीं और मुल्क चलाने के लिए। मैं कह रहा हूं कि पहला सिनेरियो ये मानिए कि तालिबान काबिज हो गया, हरा दिया उसने सबको, तालिबान ने अपना झंडा गाड़ दिया, तालिबान पूरे देश को टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को, जो कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम कह रहे हैं हो गया, फिर उसको मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि तालिबान को रिकॉग्नाइज कर ले, पीठ पीछे उसको जो भी देता रहे असला बारूद, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि जैसे पहली बार तालिबान को रिकॉग्नाइज करा था सर, इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान नाउ, FATF की ग्रे लिस्ट में, अमेरिका उसको ब्लैक में डाल देगा इमीडिएटली, मतलब 24 घंटे के अंदर ब्लैक लिस्ट, इकोनॉमी तबाह उसकी, कहानी खत्म। तीसरी चीज आप ये बताइए ना कि तालिबान जो है ना सर, तालिबान ने 20 साल में बहुत कुछ सीखा, वो हैं जानवर अभी भी, वो सिविलाइज नहीं हुए, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो जानवर, लेकिन अब उनको पता लग गया दुनिया चलती कैसे सर, दुनिया गोल घूमती है, चौकोर है, चपटी है, कैसी है, अब तालिबान को थोड़ा सा आइडिया लग गया। तो तालिबान का जो नेगोशिएटिंग पावर है, एक जमाने में दे वर डिपेंडेंट अपॉन पाकिस्तान, अब तालिबान को पैसा चाहिए होगा, तालिबान चाइना को बोलेगा तुम आ जाओ, तालिबान ईरान को बोलेगा, और देखिए ना भाई, आप देखिए कि चाइना ने ईरान के साथ जो डील साइन करी है $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डील, तो साथ में तो अफगानिस्तान पड़ता ही है, तो पाकिस्तान जो है उसको जैसे दूध में मक्खी होती है निकाल के लोगों ने फेंक दिया। पाकिस्तान की अब जरूरत तालिबान को नहीं है सर, अगर तालिबान वहां पे चला भी जाए, तालिबान डू नॉट नीड द पाकिस्तानी टुडे, उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, ये सबसे बड़ी बात है हमें समझनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर चाइनीज जो हैं, अगर वो देख रहे हैं कि उनको कोई रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करना है अफगानिस्तान में, तो फिर तो वो पीस मांगेंगे ना, फिर ये जो रोज का जो धंधा चलता है पाकिस्तान का डिस्टेबलाइजेशन का, ये थोड़ी चलेगा, तो फिर पाकिस्तान को भी बिहेव करना पड़ेगा। और वैसे भी जब ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी साहब के, अरे हमने जो है वो ये ग्वादर पोर्ट दे दिया, ये दे दिया, जैसे माई बैकग्राउंड इज ऑफ मर्चेंट नेवी, तो मैं ये सारे पोर्ट्स वोर्ट्स में देखा हूँ, तो मैंने एरोट एन आर्टिकल रहेगा कि क्या बेवकूफ़ी की बात है, जिसके पास बंदर अब्बास की एक्सेस है वो ग्वादर में क्या करेगा, और उसको जो है वो कमर्शियल पोर्ट बनाने के लिए, और पूरा जो है आपके मर्चेंट नेवी के एंगल से और उसके जो एनालाइज करके बोला कि ये पूरी बकवास है, इसका ओनली यूज दैट चाइना कैन हैव फॉर दिस इज अ नेवल बेस, उसके अलावा कमर्शियली फालतू की बात है, उनके पास बंदर अब्बास है जिसमें उसको 6000 मीटर क्लाइम नहीं करना पड़ता है, सीधे उधर से जाते हैं आपके निकल के किर्गिस्तान से, उधर से निकल के तुर्कमेनिस्तान, उधर सीधा रास्ता है, छोटी मोटी पहाड़ियां पड़ती, कोई खास बात नहीं उसमें। तो उस वक्त भी पाकिस्तानियों ने बल्कि मेरे उसके ऊपर अटैक किया उस आर्टिकल के ऊपर 3-4 ईयर्स बैक, जब ये बिल्कुल CPEC के लिए के जो है बिल्कुल दे वर गोइंग गागा एक्सटेटिक हो रहे थे जिस टाइम पे वो पूरी तरह से। तो अभी भी यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर तालिबान का राज हो भी जाए तो उनका जो वाखान से जो चाइना का वो जो एरिया मिलता है दैट इज मच मोर एक्सेसिबल, दैट हैज मच बेटर एक्सेस विद चाइना देन पाकिस्तान हैज विद चाइना, कोई तो इनको तो ऊपर से जाना पड़ता है 6000-6500 मीटर से, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं उसको, बिल्कुल
ज्यादा से ज्यादा खास 1,500-2,000 meters का होगा, विच इज नथिंग। तो इस पैटर्न में आई एग्री विद यू कम्प्लीटली ऑन दिस एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो पाकिस्तान का तो इसमें नुकसान होना लाजमी है इन द लॉन्ग रन। हाँ, शॉर्ट रन में ठीक है, वो तो सबको डराएंगे, सबको ब्लैकमेल करेंगे, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, वो तो सारा का सारा वो करेंगे। अब जो इनका जो टीटीपी वाला मामला है, देखिए अभी तक मैं पहले अपना थोड़ा सा बता दूं जो मैं सोचता हूँ, देन आई विल हैव योर कमेंट्स ऑन दैट। जो मैं सोचता हूँ, जब लोग बलूचिस्तान की अलग होने की बात करते थे तो मैंने कई बार रिटन आर्टिकल्स ऑल्सो, मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर लगातार कहता रहता हूँ कि भाई किसी भी इंसर्जेंसी को सक्सेसफुल होने के लिए, उसको अलग होने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो बलूचिस्तान के पास नहीं है। इट डजंट हैव अ लार्ज पॉपुलेशन जो बांग्लादेश में थी जैसे, देन उसकी जो भी कंटिग्यूटी में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहा हो। ईरान नहीं चाहता बलूचिस्तान, तो उनके यहाँ अपनी बलोच प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान नहीं चाहता बलूचिस्तान, अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उसमें लगा कि जिस दिन पश्तून तैयार हो गए, जैसे अभी पीटीएम चल रहा है आपके पश्तून तहफ़ मूवमेंट वाले जो है, उन्होंने अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मांगी इनसे, उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वॉन्ट पीस विद इन पाकिस्तान। लेकिन ये होने से आपका टीटीपी दोबारा एक्टिव होते हुए और जिस तरह का रिप्रेशन पश्तूनों के साथ में पाकिस्तान आर्मी कर रही है, खुदा न खास्ता जिस दिन पश्तूनों ने इंडिपेंडेंस मांग ली, उस दिन पश्तून और बलोच जब एक हो गए, तो ये फीजिबल हो जाएगा, जो अभी तक मैं बिल्कुल फीजिबल नहीं मानता हूँ इनका जो ब्रेकअप है। योर कमेंट्स। सर मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ सर। आपने बोला कि जैसे कोई कंट्री उस बाउंड्री में कोई सपोर्ट नहीं करता उसको, या फिर ये बिल्कुल आपके पास ठीक है सर। बट आई वुड आल्सो लाइक टू, व्हाइल आई अग्री विद यू 100%, मैं उस पर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो नस है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है सर, वो बलूचिस्तान की नहीं है, वो पश्तून नेशनलिज्म है सर। आज की तारीख में पश्तून नेशनलिज्म या फिर पाकिस्तान के अंदर पश्तून सब नेशनलिज्म, आप अली वजीर की बात करिए जो एमएनए है जिसको इन्होंने जेल में डाल दिया, और एक और मैं उसका नाम भूल जाता हूँ हर समय, मैं याद आएगा मैं आपको नाम बताऊंगा। फिर मंजूर पश्तीन है सर, पश्तून तहफ़ मूवमेंट का, जिसके साथ तशद्दुद करते हैं ये लोग और उसके लोगों को इस तरीके से मारना पीटना, ये सब दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता ही है कि द अफगान्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन सर, वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, और अफगान नेशनलिज्म जिंदा है। इन्होंने मारने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने, लेकिन बात यह है कि इवन इन खैबर पख्तूनख्वा सर अफगान सब नेशनलिज्म जिंदा है वहां पे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके से भारत को ये फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज है उसमें कि बलूचिस्तान के अंदर सर 60% तो जो पॉपुलेशन है वो पश्तून है एक्चुअली, इट इज नॉट बलोच सर, बलोच आर माइनॉरिटी बलूचिस्तान, उसमें मैक्सिमम पश्तून है। तो और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर मिलता भी अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान का बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिलता है। तो ये आपका जो तर्जिया है, आपका जो एनालिसिस है, ये इसमें सर बीच में ये फलक्रम की तरह है सर। ये जो फलक्रम में देखते हैं ना, ये छोटा एक पॉइंट होता है, बड़े पॉइंट को ऐसे उठा देता है, ये वही है। बलूचिस्तान वो छोटा पॉइंट है जो बड़े पॉइंट को उठाएगा, और वो जो बड़ा पॉइंट है सर, दैट इज अफगान नेशनलिज्म सर, पश्तून जो पश्तून तहफ़ मूवमेंट है, इसको वेपनाइज होना पड़ेगा। अब ये पीसफुल मूवमेंट है, खुदाई खिदमतगार, फ्रंटियर गांधी, वो पुराने वाले जो थे, जो जिनको मारा भी गया लेकिन हाथ जोड़ के वो लोग जान दे दी, शहीद हो गए। लेकिन दिस इज वेरी अनलाइक पठान्स, वैसे पठान्स आर नोन फॉर वायलेंस, दे आर नॉट नोन फॉर पीस। तो पता नहीं मंजूर पश्तीन क्या कर रहा है वहां पे, वो गांधी जी बना हुआ है बेचारा चुपचाप से। लेकिन बात यह है कि जिस दिन पठान वायलेंट होते हैं, जिस दिन पठानों ने हथियार उठाए, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी सर इन साइड पाकिस्तान, सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी इन द आर्म्ड फोर्सेज एक्चुअली ऑफ पाकिस्तान, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी इन कराची सर। कराची में जितनी पश्तून पॉपुलेशन है ही नहीं कहीं, इतनी जबरदस्त पश्तून पॉपुलेशन है कराची के अंदर, मोर देन काबुल, मोर देन सर, दे कैन शट डाउन, पठान्स कैन शट डाउन कराची एट विल सर। 65-70% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी जनरेटेड फ्रॉम कराची, दे कैन शट डाउन कराची एट विल। इनको ये जिस तरीके से पश्तून को मिसट्रीट कर रहे हैं,
जिस दिन ये होगा, आई थिंक इंडिया को आपने बिल्कुल नस सही पकड़ी है। जो हम लोग बलोचिस्तान बलोचिस्तान अक्सर इंडिया में डिस्कस करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मुझे लगता है जो असली नस है जहां से ये कूदेंगे, दैट इज पश्तून नेशनलिज्म, उसको हवा दी जाए, पाकिस्तान अपने आप घुटनों पर आ जाएगा और ये पंजाब तक महदूद होकर रह जाएगा। सर मैं 15-20 साल में इसका यही फ्यूचर है जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं ना। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं सर कि मतलब मैंने एक पुराने वीडियो में भी किसी को बोला था कि लोन्स आर टेकन बाय इंडिविजुअल, जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है लोन ले रहा है, लोन तो इंडिविजुअल लेता है सर, लेकिन वापस पूरी कौम करती है। इमरान खान ने बोला कि हमें चाइना से $5 बिलियन का लोन चाहिए, तो उसने बोला कि साहब ठीक है आप इतनी जमीन और गिरवी रख दो, उसने रख दी, एक शहर लाहौर गिरवी रख दिया, $15-20 बिलियन ले लिया फॉर एग्जाम्पल उसने, या कुछ ऐसा वो कर भी देंगे, शहरी बाकी है इनके कर देंगे गिरवी। अब एक बात बताइए मैं आपसे पूछता हूँ सर, ये तो इन्होंने अपना पैसा खाया, 15-20 बिलियन ले लिए चाइना से, अपना पैसा वैसा खाया इन्होंने, कट लिया 20% और ये लंदन भाग गए कहीं और भाग गए, पर वो लोन तो बैठा रहेगा। अब लोन कोई ना कोई तो वापस करेगा, वो लोन कौन वापस करेगा? पाकिस्तानी कौन वापस करेगी ना, क्योंकि जिसने लिया था वो तो बाहर बैठा है। मैं कह रहा हूँ चाहे नवाज शरीफ ने पहले लिया हो वो बाहर बैठा है, जरदारी ने लिया हो जरदारी के एहसास से बाहर है, सारे जरदारी के एसेट्स बाहर है। उसी तरीके से पहले जिन लोगों ने सिग्नेटरी करी थी डिफेंस पैक्ट पे, अशफाक परवेज क्या नहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा है सर, है ना, मुशर्रफ कहीं बैठा है, रहीम शरीफ कहीं बैठा है, कोई पाकिस्तान में तो बैठा ही नहीं है पाकिस्तानी, सबके सब पाकिस्तानी तो बाहर हैं, पाकिस्तान में है कौन? तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान जा किधर रहा है। दे डोंट हैव एनी लव फॉर पाकिस्तान, दे डोंट हैव एनी फेथ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान काम देनु गाय है, आप दूध निकालो, दूध पियो, भागो, यही कर रहे हैं सर। अब ये फिर लोन ले रहे हैं, आपको पता है ये फिर चाइना से लोन लेने जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कि वापस कैसे करेंगे। 4.5% पे लोन लेते हैं, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो है वो नेवर मोर देन 1.5%। सर इनको देगा कौन 1.5%? इनको इनको कोई नहीं देगा सर, इनको कोई, आप देखिए ना इनकी इनकी क्रेडिट रेटिंग, सिविल रेटिंग जो इनकी इंडिया में होती है, इनकी इतनी खराब है पाकिस्तान की, इनको वैसे मैं तो कह रहा हूं इनको 10% में नहीं मिलता, गनीमत है ये, ये 10 पे भी उठाएंगे सर, आप 3-4 साल रुकिए, ये 10% पे उठाएंगे, ये करेंसी छापेंगे, इनके पास और कोई चारा नहीं है। अब ये इन्होंने इंटरेस्ट देने के लिए फिर लोन लिया है इन्होंने, ये जो 700-600 मिलियन का लोन लिया है वो ब्याज देने के लिए दोबारा लोन लिया है, क्योंकि पिछले लोन का इतना ब्याज आ गया था, इन्होंने ब्याज देने के लिए फिर लोन लिया सर इन लोगों ने। और ये कहते हैं कि ये कहते हैं अजीत डोवाल साजिश कर रहा है, अरे लोन तुम ले रहे हो वो क्या साजिश करेंगे यार, लोन तो तुम ले रहे हो। ये पावर कंपनीज के साथ हुआ करता था, मुझे ध्यान है, मैं यूज्ड टू बी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैं देखता था कि वो पावर कंपनीज का ये लगातार ये रेशियो चलता था, ये एक से लोन उठाएंगे, दूसरे को रीपे करेंगे, फिर दूसरे से उठाएंगे, तीसरे को रीपे करेंगे, इसी तरह से साइकिल चलाती रहती थी। वो तब तक चलता रहा जब तक कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करके ये नहीं कह दिया कि नाउ इट विल नॉट बी ऑफ बजट, आपकी जो भी बोरोइंग है वो बजट में काउंट होगी। जिस दिन से वो किया उस दिन से जाके थोड़ा सा सहूलियत आई, वरना तो यही किया करते जैसे जैसे पोंजी स्कीम होती है ना, पोंजी स्कीम, हाँ पाकिस्तान इज रनिंग अ पोंजी स्कीम सर, वो कलैप्स हो ही एक दिन, दैट इज द नेचर ऑफ द स्कीम। अब इसमें से दो इश्यूज और आते हैं, ये पोंजी स्कीम की बात की हमने, तो लेट अस ट्राई एंड वर्क आउट एन इक्विवेलेंस और अ सिमिलैरिटी विद द USSR of late 1980s, उसकी भी हालत लगभग ऐसी ही हो गई थी, जिसके कारण उसको ये सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, बल्कि जितने भी और रिपब्लिक्स थे रशिया के अलावा 14 रिपब्लिक, उसको छोड़ने पड़े थे। आपको लगता है कि कुछ उसी तरह की स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है? सर पाकिस्तान उसी नेज पे आ चुका है, उसी कागार पे खड़ा है, हल्का सा पुश चाहिए, ये भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जॉर्जिया, वॉर्जिया, अजबेजिस्तान, ये सब बन गए थे ना, जितने भी स्थान बन गए थे इसके भी सर, पंजाबिस्तान अलग होगा, सिंधु देश अलग होगा, बलोचिस्तान, क्योंकि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या करा था सर अमेरिका ने, स्पेस रेस करी थी, स्टार वॉर्स करे थे, आर्म्स रेस में फंसाया उनको और इतना इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज कर दिया विदाउट फायरिंग अ शॉट, इट कलैप्स्ड आफ्टर द रशियन इन्वेजन फेल्ड, आफ्टर द अफगान इन्वेजन फेल्ड 1989, इट स्टार्टेड कलैप्सिंग सर, ग्लासनोस्ट आया, प्रेस्टरोइका आया, आपको पता है गॉर्बाचोव था वहां का प्रेसिडेंट, उसके बाद तो इट जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग लाइक 9 पिंस। पाकिस्तान भी उसी नहज पे चल रहा है, पाकिस्तान को एक चीज समझ में नहीं आई,
ये जितने मोहम्मद बिन कासिम बनने की कोशिश करते हैं ना, घोड़े पे बैठ के तलवार घुमा के, इनको ये नहीं पता कि इस मोहम्मद बिन कासिम का जो घोड़ा है वो भूखा है और बिन कासिम की जेब फटी है सर। और आज के तारीख में ऐसे लड़ाई नहीं होती है, ऐसे लड़ाई नहीं होती, लेकिन वो लड़ने की कोशिश ऐसे ही कर रहे हैं। अभी भी खाने को खाना नहीं है सर, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, ख्वाब वही है मोहम्मद बिन कासिम वाले। 711 राजा दाइद खिलाफ सिंध में लड़ाई, वो ख्वाब उनके वही है अभी तक। ये देखिए, ये भाई गया था वहां पे उज्बेकिस्तान, ये कहता है मैं बाबर के ऊपर फिल्म बना। आप देख रहे हैं दिमाग के साथ भी, ये पाकिस्तान का सर, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, ये कह रहा है मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। अब फिर ये कहते हैं कि रॉ साजिश कर रही है। रॉ क्यों साजिश करेगी सर? जैसे अब ये देखिए, शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, रहते हैं यहाँ पे, सब कुछ उनके घर परिवार है, उनको यहाँ पे दफनाया जाता है, उनको हम मेडिसिन देते हैं, उनको हम इलाज करवाते हैं बॉर्डर एरियाज में, हम तालिबान को लुक आफ्टर करते हैं। शेख रशीद का वीडियो है, आपने भी देखा होगा, मशहूर वीडियो है सर। देखा, बिल्कुल ध्यान है मुझे। अच्छा, तालिबान इज डिक्लेयर्ड अ टेरर आउटफिट बाय अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन सर। तालिबान एक टेरर आउटफिट घोषित है। उसके बाद ये कहते हैं कि FATF में डाल दिया, इंडिया साजिश कर रहा है। मतलब सर, इनका कोई लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, दे हैव नो रिलेशनशिप विद लॉजिक सर। ये अजीबोगरीब बात करते हैं, खुद कह रहे हैं कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर खुद कह रहे हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है, FATF में डाल दिया हमको। तो ये सब जो चीजें हैं सर, ये देखिए, ये आप उज्बेकिस्तान में गया, उज्बेकिस्तान में क्या कहता है, मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट इमरान खान, दिस इज एक्चुअली पाकिस्तानी मेंटेलिटी सर। ये मानसिकता है पाकिस्तानियों की, इसमें इमरान खान का दोष नहीं है। इमरान खान उज्बेक प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा है सर, उज्बेक प्राइम मिनिस्टर उसके सामने क्या कहता है कि मैं उज्बेकिस्तान के बारे में उज्बेकों से ज्यादा जानता हूं। समरकंद बुखारा जाऊंगा मैं। ये देखिए, ये अभी भी घोड़े पे बैठा हुआ तलवार लेके, सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये अभी भी लगा हुआ है तो तलवार घुमा रहा है। इसको अभी भी पता कि सब कुछ छिन गया है, अभी भी उसी माइंडसेट में जा रहे हैं, फिल्म बनाएंगे साहब, ये करेंगे, क्रिकेट की बातें कर रहा है वहां पे बैठ के लोग। आई डोंट नो ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, और वैसे भी किसको पता है वहां क्रिकेट। सर 7 बजे के बाद मीटिंग हुई थी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, 7 o'clock के बाद मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान में, तो इमरान खान ने किस मूड में क्या बोला सर, नोबडी नोज। That is very funny, really. वो तो इसका था, लेकिन वो जो है ना, एक पाकिस्तान की तो बेसिक प्रॉब्लम है ना, DNA डिनायल जो उनकी जो है, DNA डिनायल है, वो अपना DNA डिनाई करके अभी तक अरब्स का ले रहे थे, अरब्स ने मना कर दिया कि हम नहीं आपको रिकॉग्नाइज करते अरब DNA, तो अब वो टर्क्स का ले रहे हैं। अब सेंट्रल एशिया बेसिकली टर्किस्तान तो यही था ना, टर्की तो बाद में टर्क्स ने फिर इनको कह रहे हैं, इनका दिल टूटा है, ये कह रहे हैं तुर्की, वो अर्दोगान ने भी धोखा दे दिया, अर्दोगान ने बोला ना अभी तालिबान को कि तुम लोगों ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर रखा है, निकलो यहां से। तो तर्क जो अर्दोगान है सर, जो वहां का तुर्की का जो हेड ऑफ स्टेट है, वो सर पार्ट टाइम मुसलमान है, वो फुल टाइम मुसलमान नहीं है, वो पार्ट टाइम है सर, वो जैसे हमारी पार्ट टाइम सर स्कूल में आपको पता नहीं, केंद्रीय विद्यालय में SUPW होता था ना सर, आपने देखा है, वो बाटेक और कारपेंट्री सिखाते हैं, वो पार्ट टाइम सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसका इसने क्या कहा, वो उस टाइप का SUPW, वो SUPW टाइप का मुसलमान है सर, वो क्या कहता है कि कश्मीर जिंदाबाद, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, उसने सब बोल दिया सर। क्या हुआ बीच में, पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर ऑर्डर करे तुर्की से, अमेरिका ने बोला कि ना इंजन देंगे, और तुमने कुछ देने की कोशिश करी फिर देखना। ये भाई लोग अपनी फौज लेके अफगानिस्तान पहुंच गए, तुर्की अभी काबुल का जो एयरपोर्ट है, काबुल के एयरपोर्ट की चौकीदारी कर रहे हैं तुर्की, और कह रहे हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये इस्लाम इस्लाम का ये सब, ऑटोमन एम्पायर का ये सब तो मजाक था, सीरियस तो ये बात है, पैसे यहां से मिल रहे हैं, चलो। और फिर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तो तुर्की वालों ने धोखा दे दिया। तो इनको मलेशिया ने भी बोला कि हम इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम फहराएंगे, इंडिया ने पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया, उसने बोला कि चलो यार सुनो, अभी तो जुम्मे में टाइम है 3-4 दिन, अभी पहले पैसा कमा लेते हैं, इसके बाद महतीर मोहम्मद को हटा दिया। महतीर मोहम्मद को उसने बोला फारिग करो बुड्ढे को, तो पागल आदमी है, तो कुछ भी बोलता है किसी के सामने, वहां पे तेल वेल नहीं खरीदते, हमारा पैसा नहीं आएगा। ये सबसे ये पार्ट, ये इन्होंने मजहब का नाम खराब करा है, इन्होंने इस्लाम का नाम खराब करा है, और इन्होंने इसको कमर्शलाइज कर दिया और वेपनाइज कर दिया सर, नीडलेसली इन्होंने कमर्शलाइज करा है रिलीजन को।
अब आप पाकिस्तानी मीडिया देखें सर, हर रोज ये बात करते हैं इस्लामी मुल्क इस्लामी मुल्क इस्लामी मुल्क, राइट। इन्होंने दुनिया को इस्लामी और गैर इस्लामी में डिवाइड कर दिया कि इस्लामी मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है, और फिर जब कोई बात करता है तो कहते हैं इस्लामोफोबिया कर रहा है। अरे भाई तुम फर्क क्यों करते हो, मुल्क मुल्क होता है, एक मुल्क होता है वो मुल्क होता है। इंडिया में कहते हैं कि इंडिया में हिंदुत्व फैल रहा है। मैंने बोला यार तुम ऐसी बातें तो मत करो यार, तुम्हारे तो मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तुम तो ऐसी बातें मत करो यार। कोई और करे तो हमें समझ में आता है, हमें एक बार उसका क्रिटिसिज्म सुन लें, तुम जो ऐसी बातें करते हो क्या। नहीं, उनको फिर समझ में नहीं आता कि वो जो कह रहे हैं विरोधाभास है, दूसरी दुनिया में रहते हैं। आप पता ये नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया कि इस मैंने अभी पे सबसे ज्यादा जो इनमें हलचल और खलबली तब देखी थी जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं तो हदीसें नहीं मानता और इनको जो है वो मैं रिफॉर्म करूंगा और मैं तो ये जो हदीसें हैं 250 साल बाद, विच इज़ अ फैक्ट ऑफ कोर्स, 250 साल बाद लिखी गई है प्रॉफिट के मरने के, और ये तो जो है रिलायबल नहीं है, इसलिए दे नीड टू बी डिस्कार्डेड। उसके बाद आप देखते हैं कि उनका तो पूरा का पूरा जो जड़ थी वो हिल गई है। यहाँ तो बैठे बैठे पता नहीं क्या चलाते हैं वो, फतावा आलमगीरी और हिदाया और तरह तरह की चीज़ें, उसने उसके सबकी जड़ ही हिला दी, ये तो वैलिड ही नहीं है अब तो इसलिए तो अरब डी एन ए डिनाई हो गया इनके पास से। अब ये सेंट्रल एशियन तो टर्की वाला भी जो है ना, वो टर्की वाला भी थोड़ा सा डीएनए मिक्स्ड है ना, वो एनाटोलिया था, वो एनाटोलिया में गए थे, यहीं से ये सेंट्रल एशिया से सारे गए थे। अब ये ओरिजिनल जो टर्किश डीएनए है उसको ये इम्पोर्ट करना चाहते हैं, बाबर की संतान बनेंगे अब ये। सर ये मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, और कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सीरियस मैटर है इसलिए कह रहा हूँ, नॉट एज अ जोक, क्योंकि दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। जिस तरीके से सर वहां पे पाकिस्तानियों की जो लड़कियां हैं 100-100 हर रोज चाइनीज ले जा रहे हैं वहां पे शादी करके, अंडर विच टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ था, फिर ये दाएं बाएं हो गया था। मैं बता रहा हूँ कि सर, और जिस तरीके से लोग वीजे दे रहे हैं चाइनीज को रहने के लिए, एक वहां पे रिपोर्ट आई है सर, पाकिस्तानी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जैसे हमारा फिक्की है सर, तो वहां पे फिप्पी होगा कुछ ऐसी होगा, तो सेम बॉडी, उसकी रिपोर्ट है सर इंटरनेट पे, यू कैन टेक अ लुक। वो रिपोर्ट पता है क्या कहती है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, वो रिपोर्ट ये कहती है कि इन 2038 और 2048 मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान विल बी चाइनीज सर, मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान विल बी चाइनीज। हाँ जी, वो रिनेम्ड। हाँ, अब आप ये देखिए कि रिनेम के अलावा अब आप बताइए डीएनए का क्या है, क्या तुर्की, ये चाइनीज डीएनए है इनका, ये और हरकतें क्यों करते, क्योंकि माल चाइनीज है सर, ये इनकी हरकतें वैसी हैं, ये हर जगह, और नाम उसका क्या है, मैंने फिर बोला था पिछले एक वीडियो में, मैंने बोला था उसका नाम रंधावा है सर, किसी का नाम रंधावा है सर, किसी का नाम सेठी है, किसी का नाम विर्क है, किसी का नाम मान है, किसी का नाम सूरी है, और वो कहता है कि मेरे जो बाप दादा थे वो मोहम्मद बिन कासिम से सऊदी अरब से आए थे घोड़े पे बैठ के, नाम क्या तेरा रंधावा। मैंने बोला मैं सर पकड़ लिया, मैंने बोला तुम्हें समझा नहीं सकता मैं, समझाना मुश्किल है, वो तो इस्लाम की इशू है। कि मैंने जब डीएनए की बात रही थी तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट ने अपने वालिद और अपनी अम्मी और अपने चाचा को खारिज कर दिया था, इसलिए डीएनए डज नॉट मैटर। वो तो जो प्री इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कोई भी पूर्वज है वो जाहिलिया, यानी आपके जो वो प्री इस्लामिक है वो उसमें, इसलिए उसको जहन्नुम जाना है, इसलिए ही डज नॉट मैटर। ये चीज़ जो है वो कई हमारे यहाँ भी लोग कन्फ्यूज करते हैं ये डीएनए वाली बात, उनको भी मैं समझा रहा हूँ कि भाई समझो पहले, तुम इस्लाम समझो, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, तो ये तो खैर है। चलिए, तो पाकिस्तान का ये जो एक ऑब्सेशन है ये तो हम देख रहे हैं, और बस मैं आपसे मेरी तरफ से आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल दर्शकों के आगे उसको उनको ले लेते हैं। तो मेरी तरफ से जो आखिरी सवाल है इसमें वो ये है कि क्या आपको लगता है कि TTP और PTM मिलके एक एक्सप्लोसिव मिक्स अगले 5 साल में बना देंगे, और अगर ऐसा है तो इंडिया को क्यों नहीं तालिबान टेक ओवर वेलकम करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अभी ऐसे इमरान तो नहीं है,
बट आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो इतना भी इम्पॉसिबल डायरेक्शन नहीं है सर, वो इतना भी इम्पॉसिबल डायरेक्शन नहीं है, और इस एरिया में कुछ भी हो सकता है। और जहां तक तालिबान का है सर, वी हैव डिसाइडेड व्हेन वी स्पोक टू द तालिबान, वी सेंट अ सिग्नल टू द वर्ल्ड कि अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, वील डील विद द डेविल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका भी तो करता है सर, अमेरिका तो करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। देखिए तालिबान एक मुल्क है, सॉरी अफगानिस्तान एक मुल्क है, उसका मालिक कोई भी हो, राइट, हम सपोर्ट कर रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को, लेकिन अगर कल वहां पे तालिबान आ गया तो आपको तालिबान के साथ डील करना पड़ेगा, कोई भी आएगा आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। और जहां तक देखिए साहब पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट है, पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वेपनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि एक लेवल तक सर कुछ लोग जो है तशद्दुद सहेंगे, उसके बाद वो हथियार उठाएंगे, ये मूवमेंट वेपनाइज होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जहां तक टीटीपी की बात है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, सर अभी इन्होंने एक पार्लियामेंट के अंदर क्लोज डोर में पाकिस्तान आर्मी ने बताया था पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को, जो ये कह रहे थे ना कि टीटीपी इज फंडेड बाय इंडिया और रॉ उसकी फंडिंग करती है, उन्होंने एक डेढ़ हफ्ता पहले क्लोज डोर ब्रीफिंग में पाकिस्तानी पार्लियामेंट को बताया है, जो मीडिया में भी आया था, कि कह रहे हैं कि अफगान तालिबान और टीटीपी एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये बस फ्रेंचाइजी है, जैसे मैकडोनल्ड की होती है ना सर, कि कमला नगर में एक फ्रेंचाइजी है, सरोजनी नगर में दूसरी है सर, ठीक वो वाला मामला है, ये पीछे एक ही है, इनका लोगो एक ही है सर, इनका लोगो एक ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, एंड दे आर एग्जैक्टली द सेम। और कोई भी सूरत हाल हो सर, कोई भी सूरत हाल हो, हारेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को बहुत अपने एडवेंचर का, अपने पैसे की भूख का, अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखिए पाकिस्तान, दिस इज, मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द अनसेटलिंग ऑफ पाकिस्तान, नॉट द एंड ऑफ पाकिस्तान, मैं एंड ऑफ पाकिस्तान नहीं कह रहा हूं, द अनसेटलिंग ऑफ पाकिस्तान, बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान अनसेटल होने वाला है सर। करेक्ट करेक्ट, क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। और इसी नोट पे लेट्स मूव टू द ऑडियंस क्वेश्चंस। इसके पहले मैं सभी से दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि क्या कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकॉन दबाएं, और हमारी जो भी सपोर्ट कर सके, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर, और मैं प्रश्न आरंभ करने से पहले अपने दर्शकों को निवेदन कर दूं कि आपने जो प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड पूछे हैं वो ही लिए जाएंगे, जो ऑफ टॉपिक है वो सवाल मैं नहीं ले पाऊंगा। मृणाल मिश्रा जी, बिग फैन मेजर गौरव आर्य जी, व्हाट आर द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन ऑफ तालिबान ऑक्युपाइंग अफगानिस्तान ऑन इंडिया, विल पाकिस्तान ISI बी एबल टू यूज देम अगेंस्ट इंडिया टू स्प्रेड टेररिज्म? मृणाल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता, जब पहले एक ज़माने में अफगान आते थे कश्मीर में, वो अलग कश्मीर था, फेंसिंग थी नहीं उतनी, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ उस समय बॉर्डर पे नहीं थी, राष्ट्रीय राइफल्स उस समय इतनी बटालियन रेज नहीं हुई थी, ये पूरा सिक्योरिटी का पैराडाइम अब चेंज हो चुका है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि तालिबान को अब पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है उनकी दोस्ती होगी, उनके ऐसे ऐसे लोग होंगे अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसी और मुल्क में भेजना लड़ाई करने के लिए अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तीसरा बड़ा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर तालिबान इंडिया आता है तो कहाँ से गुजर के आएगा? पाकिस्तान के थ्रू आएगा? फ्लाइट लेकर तो नहीं पहुंचेगा इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, वो फ्लाइट लेकर नहीं आएगा, वो तो आना है उसको जमीन से, और जमीन में आएगा पाकिस्तान से आएगा, तबाही मचाते हैं, और बॉर्डर पर इंडियन आर्मी खड़ी है, ये वहीं पर मार दिए जाएंगे, ये घुस नहीं पाएंगे। ये वो 90s वाला दौर नहीं है कि जब फेंसिंग नहीं थी, कोई नहीं था, वहां पे ट्रूप लेवल हमारे बड़े कम हुआ करते थे और लोग टहल के, जैसे कंपनी बाग में टहल रहे हैं, टहल के इंडिया आ जाते थे, अब आएंगे तो गोली खाएंगे सीधा बॉर्डर पे। नाउ इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, द बॉर्डर इज एब्सोल्युटली सील्ड, तीन लेवल है सर, 3-tier एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड है, तो तालिबान वाले। अच्छा, एक आखिरी चीज मृणाल जी आपको और बता दूं, जो हम तालिबान को इतना खौफनाक समझते हैं ना, कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है सर, ठीक है, तालिबान तालिबान तभी है जब तक वो अफगानिस्तान में है, वो इंडिया में तालिबान नहीं बचेगा सर। अब देखिए मैं यूपी में रहता हूं, ठीक है, तो एक अपना कि भाई हम यूपी के हैं, एक अलग है, आप सर राजस्थान में रहते हैं, आपका अलग है कि राजस्थान में आ जाओ दिखा देंगे, होता है ना, वो तालिबान का कि अफगानिस्तान आ जाओ दिखा देंगे, वो सभी का होता है, तो वो तालिबान अपना वो बकेरी वो शेकी बकार रहा है, वो देख लेंगे सर, वो आएगा तो कश्मीर वश्मीर में, नो आई डोंट थिंक सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ शेखर, प्रणाम गुरु जी, वेलकम मेजर,
If Pak falls to the Taliban, we'll have them right on our borders. I think the same answer you can give on this. Do you see that happening? If Pak falls to the Taliban, no, I don't think so. Do you think Pak will present India an opportunity to take back Azad Kashmir? It is Pakistan occupied Kashmir. Azad to hum karenge jab take over karenge uske baad wo azad ho jayega Kashmir. Abhi to filhal POK hai dost. Lekin ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट शॉर्ट में 30 सेकंड में बता दूं, आई डोंट थिंक सो इमीडिएटली क्योंकि दुनिया भर की नजर है. अगर आप कोई भी मिलिट्री एक्शन लेते हैं इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको वो लोग पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, द वर्ल्ड विल नॉट टेक वेरी काइंडली टू इट. नॉट दैट इंडिया इज डिस्पोज टुवर्ड्स टेकिंग अ मिलिट्री एक्शन, बट अभी पूरी दुनिया की नजर वहां पे है. इससे क्या होगा, पूरे खत्ते में बहुत जबरदस्त इंस्टेबिलिटी हो जाएगी. तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया राइट नाउ. ओके नेक्स्ट और इंटरलॉन्ग्स, व्हाई हैज द तालिबान बीन अलाउड टू एग्जिस्ट बाय द अमेरिकंस, व्हाई आर दे फियर्ड, इट्स अ बंच ऑफ थग्स ऑन मोटरबाइक्स एंड टोयोटा हियर्स पिकअप, व्हाई डिड वेस्टर्न वर्ल्ड नॉट न्यूट्रलाइज देम, इज तालिबान अ बोगीमैन, अ क्रेडिबल थ्रेट टू जस्टिफाई मिलिट्री स्पेंडिंग. गुड क्वेश्चन. नहीं, नो, आई डोंट थिंक तालिबान इज अ बोगीमैन. तालिबान इज वेरी रियल. And America does not need any justification to do military spending. Unka military industrial complex hai. Unko Taliban ki zarurat nahi hai. Wo duniya, puri duniya padi hai. Taliban kya? 75,000 log hai Taliban. Achha, dusri ek aur cheez hai na ki, main aapko batata hoon, issue kya hai? Aapne bola ki, why are they feared? Anybody who does not follow the law is feared by normal people. Yeah. Aapki gali mein char gunde aa jayen, theek hai, aur random logon ko goli marna churu kar dein, aap bhi unse dar jayenge. Taliban are like that. And, you know, it's a bunch of thugs and motorcycles and Toyota pickup. Aisa nahi hai actually. Aisa nahi hai. Taliban, they are radical Deobandi Islamists. Pehle aap samajhiye. They are ideologically brainwashed. They believe in a certain form of Islam that is highly, highly, highly vicious and radicalized. Right? And wo pani ki tarah hai Taliban. Koi vardi nahi pehante. Ek Taliban hai jiske haath mein AK-47 hai. आप आए उसको मारने के लिए, उसने एक किलोमीटर दूर से देख लिया, उसने अपनी AK-47 खेत में फेंक दी, सड़क पे बैठ गया, आप आए, आपको बोला सलाम साहब, आपने बोला सलाम, उसके माथे थोड़ा ना लगा तालिबान. यू सी, तालिबान कोई पक्का प्रोफेशन नहीं है. ये कभी लोग लड़ते हैं, फिर हथियार छोड़ के अपनी खेती बाड़ी के लिए चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लड़ते हैं. इट्स अ लूजली नेट कॉबल्ड कोएलिशन ऑफ वॉरलॉर्ड्स हु हैव अ सर्टेन माइंडसेट, हु हैव अ सर्टेन आइडियोलॉजी. ठीक है, तो उनको मारना, देखिए, अगर आपको किसी को मारना है, अगर कोई पत्थर है तो आप पत्थर को तोड़ सकते हैं, आप पानी को कभी नहीं तोड़ सकते. जिस दिन तालिबान सरकार बना लेगा काबुल में, ये टूट जाएगा. जैसे पिछली बार अमेरिका ने जब एयर रेड्स करी थी, ये भाग गए थे सबके सब, टूट गए थे तालिबान. राइट, तो जब आप किसी को पक्का टारगेट देंगे तब आप टूटेंगे, वरना आप नहीं टूट सकते. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. DPS जादौन, हम 71 में मुक्तिवानी को ट्रेनिंग हथियार दे सकते हैं, तो फिर बलूच, सिंधु, पश्तून विद्रोही को पॉलिटिकल असालम ट्रेनिंग हथियार, उनके फ्लैग स्टेट को मान्यता क्यों नहीं दे रहे? As op jackpot was a success. देखिए सब, मैं मानता हूँ देना चाहिए हमें. मैंने तो कई बार कह भी चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मालचा मार्ग और ये चाणक्यपुरी में जहाँ पे आपके इतने एम्बेसीज हैं, वहाँ पे बलूचिस्तान का एम्बेसी एग्जाइल होना चाहिए, गवर्नमेंट इन एग्जाइल होनी चाहिए, पश्तूनिस्तान, सिंधु देश होना चाहिए, हमें देना चाहिए, हमें मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमें पैसे देने चाहिए, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमें हर किस्म की सहूलियत देनी चाहिए. मैं इस चीज का बहुत बड़ा एक सपोर्टर हूं, मैं आपसे अग्री करता हूं. गुड, नेक्स्ट. इबीजा का राजा, इज इट ट्रू तालिबान पाकिस्तान विल अलाउ लक्ष्मी मित्तल टू एक्सप्लोर मिनरल डिपॉजिट्स इन अफगानिस्तान टू कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर वर्ल्ड मार्केट? देखिए, पाकिस्तान अलाउ या डिसअलाउ करने वाला कोई नहीं होता. अफगानिस्तान का तो फ्यूचर अफगानी डिसाइड करेंगे. लक्ष्मी मित्तल क्यों, जो भी उनको पैसे देगा, क्योंकि दे डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी. जैसे अरब्स हैं, अरब्स ने अलाउ करा वेस्टर्नर्स को कि भाई इस रेत के नीचे तेल है, तुम निकाल दो. उनको तो नहीं पता था कि नीचे क्या है रेत के. उनको तो बताया गया कि ये जो मटमैला सा पानी है, ये एक्चुअली तेल है. तब उनको पता लगा कि हाँ, हम अमीर भी हैं. उसके पहले तो वो भेड़ बकरियां घोड़े चरा रहे होते थे वो लोग अरब जो बद्दू. उसी तरीके उसी उसी बिल्कुल बद्दू सर, बिल्कुल सर. तो अभी क्या है कि ये लक्ष्मी मित्तल आएगा, कोई और आएगा,
जो पैसा देगा, जो डील सेट होगी वहां पे, बट उसके सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहिए अफगानिस्तान में। विदाउट स्टेबिलिटी को पैसा लगाएगा नहीं वहां पे। करेक्ट। नेक्स्ट वन, चैतन्य देवलगुड़ी, पाकिस्तान स्ट्रक इन बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, तालिबान टेक्स ओवर एंड वायलेंस स्पिल्स ओवर इनटू द स्ट्रीट्स इफ तालिबान लूजेस एंड द ग्रैंड प्लान स्ट्रेटजिक डेप्थ इज इन टैटर्स, बट व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ स्टेलमेट एंड सिविल वॉर कंटिन्यूज? Even then Pakistan will suffer. अगर सिविल वॉर होता है और स्टेलमेट होती है तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए जबरदस्त हो जाएगा। 1 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और वो जो 1 मिलियन है, हो सकता है उसमें से 900,000 जो है वो इनोसेंट लोग हों और उसमें से 1 लाख तालिबान भी होंगे। तो तालिबान, मैं 1 लाख तो देखो बहुत बड़ा फिगर है, तालिबान टोटल 1 लाख नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तालिबान माइंड सेट वाले लोग, अफगानिस्तान में भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, ड्रग वाले हैं, जो स्मगलर्स हैं, वो सब आएंगे पाकिस्तान में भाग के और वो पाकिस्तान में अपना धंधा फैलाएंगे, वो अपना माफिया बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को किसी भी सूरत में, अमेरिका रहे, अमेरिका जाए, तालिबान राज करे, तालिबान डिफीट हो जाए, पाकिस्तान ने पिटना है किसी भी सूरत में। देयर इज नो वे पाकिस्तान कम्स आउट स्मेलिंग लाइक रोजेस इन दिस। Sir, this is the modern Taliban which has become politically and diplomatically more clever and shrewd. How do you see this panning out in a global and subcontinental context, given their root ideology has not changed? मैं बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ नकुल बाली साहब आपसे, और यही बात मैंने शुरू में बोली थी। देखिए, हैं तो ये जानवर तालिबान वाले, ये इंसान के रूप में जानवर हैं ये, बस हाँ थोड़े से ये पॉलिटिकली अलाइन हो गए, थोड़ा सा इन्होंने दुनिया देख ली, दुबई कतर देख लिया, तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट हो गए। अदरवाइज आप बिल्कुल ये समझने की गलती बिल्कुल ना करें कि साहब ये जो तालिबान है इसकी आइडियोलॉजी चेंज, इनकी आइडियोलॉजी वही है इस्लामिक स्टेट वाली, इनकी आइडियोलॉजी लश्कर ए तैयबा जैश मोहम्मद वाली है, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी वही है कि जो इनकी बात नहीं मानता वो काफिर है, उसका गला काटो। इनकी सिंपल सी आइडियोलॉजी है, दे वांट टू टेक बैक अफगानिस्तान 1400-1500 ईयर्स बैक। उनका उनका मेन माइंडसेट वही है और कोई माइंडसेट नहीं है। राइट, ओके। रोबकुल, नमस्ते जी, क्या भारत अफगानिस्तान को मदद करने के लिए पीओके वापसी की कोशिश कर सकता है, यूएस से दबाव बना के पीओके जब मिले तब अफगानिस्तान का रास्ता हो मदद करने जाने के लिए, जमीनी रास्ते पे? आई डोंट नो वेदर यू लुक्ड एट दिस, यू नो दिस इज द बिगेस्ट मिथ गोइंग अराउंड दैट यू कैन एक्चुअली गो इनटू अफगानिस्तान थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान, दे डोंट फैक्टर इनटू द हिंदू कुश व्हिच इज आई थिंक द मिनिमम इज 5500 मीटर्स, आई फिगर्ड इट आउट कंप्लीटली, देयर इज नो वे यू कैन क्रॉस ओवर फ्रॉम गिलगित बाल्टिस्तान टू द वखान कॉरिडोर। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम कर भी सकते हैं, आप कह रहे हैं ना कि ठीक है हम जमीनी रास्ता नहीं तो एयर का रास्ता है, आप कुछ तो करेंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, आपकी कोई तो कनेक्टिविटी होगी अफगानिस्तान में। नहीं, अभी फिलहाल आई डोंट थिंक इन दैट, उस तनाजुर में देखें तो ऐसा इम्प्रोबेबल सा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया अनसेटल्ड है काफी। देखिए, जब भी इंडिया डिसाइड्स टू गो इनटू पीओके एंड टेक ओवर, लेट अस से आपने बोला कि साहब हमें पीओके टेक ओवर करना है, राइट, आपको दुनिया की मदद चाहिए, नॉट मिलिट्री, आपको डिप्लोमेटिक मदद चाहिए, आपको डिप्लोमेटिक इक्विटी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया बोलेगी, चीन बोलेगा कि अच्छा ठीक है अब पाकिस्तान के पिटने का वक्त आ गया तुम कर लो, अमेरिका बोलेगा आपको सपोर्ट चाहिए, आप ऐसे यूनिलैटरली जाके अभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उसका जो है ब्लोबैक बहुत ज्यादा है इस वक्त, हो सकता है आप कल कर पाए, आज की तारीख में ब्लोबैक बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ओके, सो विद we've right now got 11,000 people watching online, so excellent, thank you all viewers, that was great. Aur dusri cheez ye hai ki hum repeat question nahi le rahe hain, bas ek question jinka uttar de chuke, so we are not taking repeat question, aur jo cheeze discuss ho gayi clarify kar di Gaurav ji ne wo bhi hum nahi le rahe, so here we end. Aap sabhi ko bahut bahut dhanyawad, sabhi darshakon ko bahut bahut dhanyawad, and thank you very much, aur dhanyawad Gaurav ji. जय हिंद सर, वंदे मातरम। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।